आजकल फूड ब्लॉगिंग एक ट्रेंड हो गया है। कोई रेस्टोरेंट रिव्यू के बारे में ब्लॉग करता है, तो कोई अपने खुद की कुकरी के बारे में ब्लॉग करते हैं, या कोई इंटरनेशनल फूड के बारे में ब्लॉग करते हैं, वरना कोई इंडियन खाने के बारे में लिखता है। अगर आपको अपना ब्लॉग क्रिएट करना है तो पहले आपको सोचना है कि मेरी ब्लॉग की थीम क्या है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक माई फ्रेंड अमृता, उसका ब्लॉग है लाइफ की रेसिपी और वो ब्लॉग करती है अबाउट पार्टी फूड, डिप्स, एपेटाइजर्स। और एक्चुअली मैंने अभी उसके ब्लॉग पे उसको इनवाइट किया है इस शो पर, सनी साइड अप पर। तो जब तक वो आती है, आई एम गोना व्हिप अप अ क्विक लिटिल रेसिपी व्हिच इज फिश टैकोस मेड विद गदरे फूड्स फिश पॉपकॉर्न एंड मैंगो साल्सा। यमी। इंडिया में हम सोचते हैं कि टैकोस सिर्फ क्रिस्पी होते हैं नाचोस की तरह, बट दैट्स नॉट ट्रू। असली टैकोस सॉफ्ट टैकोस होते हैं, जस्ट लाइक आर चपातीज, एंड दे आर कॉल्ड टॉर्टियाज। तो ये है मेरे फिश पॉपकॉर्न, एंड जस्ट इमेजिन हाउ यम्मी दीज आर गोना टेस्ट। तो पहले तो हमारे गदरे सी फूड के फिश पॉपकॉर्न को फ्राई करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, डीप फ्राई करते वक्त पैन में ज्यादा स्पेशली ठंडे चीजें मत डालिए। इट ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल और आपको वो क्रिस्पी कोटिंग नहीं मिलता। लुक एट दैट, 3 मिनट एंड दीज आर रेडी। तो जब तक ये फ्राई होते हैं, मैं जल्दी से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साल्सा बनाने वाली हूँ। ऑफकोर्स आप जानते हैं साल्सा क्या होता है। साल्सा इज अ वेरी फ्रेश लाइट थिंग। तो पहले इस आम को थोड़ा डाइस करते हैं। Check on the fish popcorn. Ooh, that looks really good. Mango को डालते हैं जल्दी से हमारे बोल में। इसमें डालेंगे मिर्ची, and what I have here a really atom bomb kind of mirchi. ये है bird eye chili. और गलती से भी इसको हाथ मत लगाइए वाइल्ड चॉपिंग। मिर्ची को साल्सा के अंदर, इसमें डालेंगे नींबू का जूस और थोड़ा सा धनिया। दैट्स इट, साल्सा डन। मैंगो साल्सा ओवर। और हमारे फिश पॉपकॉर्न को निकाल देते हैं, परफेक्टली क्रिस्पी गोल्डन फिश पॉपकॉर्न को निकाल देते हैं। एंड नाउ जस्ट वेट टिल यू सी हाउ फन दिस लुक्स। तो ये है मेरा वुडन बोर्ड जिसपे मैं प्लेटिंग करने वाली हूँ। हमने पहले से टॉर्टिया किए थे, इट्स जस्ट लाइक अ चपाती। तो टॉर्टिया को लेते हैं, उसमें ओके, तो यहां आई हैव सम होममेड एवोकाडो। एवोकाडो को थोड़ा मैश करना है। आप स्ट्रेनर से निकाल सकते हैं, या कांटे से मैश कर सकते हैं, या मैशर से मैश कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। नींबू, थोड़ा सा गार्लिक, इसको हमने एकदम सिंपल रखा है, लेकिन अगर आपको एवोकाडो का डिप बनाना हो तो आप उसमें स्प्रिंग अनियन डाल सकते हैं, टमाटो डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, एंड इट मेक अ डिलिशियस डिश। ओके, नेक्स्ट हैलापीनो। हैलापीनो अपनी भावनगरी मिर्ची है। ये है सावर क्रीम, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन मेक्सिकन कुकिंग। अगर सावर क्रीम आसानी से ना मिले, आप दही को मलमल में बांध सकते हैं, उसका पानी निकालिए, एंड दैट्स अ परफेक्ट लो फैट अल्टरनेटिव फॉर सावर क्रीम एक्चुअली। एंड ऑफ कोर्स द स्टार ऑफ द शो, मैंगो साल्सा।
Now tell me, wouldn't you want to eat that? Perfectly fried, perfectly crunchy, Gadre seafood ka fish popcorn, tacos, mango salsa, jalapenos, guacamole. Aapko aur kya chahiye? फिश टैकोस विद मैंगो साल्सा बनाने के लिए फिश पॉपकॉर्न्स को फ्राई करें। इन द मीनवाइल एक बोल में मैंगोस, रेड चिली, लेमन जूस और कोरिएंडर डालकर मिक्स कर लीजिए। अब टॉर्टियास के ऊपर फिश पॉपकॉर्न्स, एवोकाडो पेस्ट, हैलापीनोस, सार क्रीम और मैंगो साल्सा डालकर प्लेट करें। योर फिश टैकोस विद मैंगो साल्सा इज रेडी।